हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अर्णब रॉय जी की वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे पिछले साल भारत में कोलकाता में हुई रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट के फोर्थ राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां मुकाबला आता विश्वनाथन आनंद और लिवॉन अरोनियन के बीच में। फ्रेंड्स, गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह से एक पीस का एडवांटेज लेना चाहिए, यहाँ विश्वनाथन आनंद ने बखूबी सिखाया है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की आनंद ने e4 के साथ, तो अरोनियन ने यहाँ e5 किया। नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4 इटालियन गेम ग्यूगो पियानो, नाइट f6, देन d3, बिशप c5, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, c3 d6, रुक e1 स्क्वायर पर, देन बिशप b6, h3, तो किंग गया h8 स्क्वायर पर, और किंग के h8 स्क्वायर पर जाने का सीधा सा एक ही मतलब है कि ये f1 थोड़ी देर में आगे पुश होगा ही होगा, जैसे ये नाइट यहाँ इस f6 स्क्वायर से हटता है। तो a4 नाइट गया g8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स जब यहाँ वाइट ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया, तो इट मीन्स यहाँ उसकी इंटेंशंस किस तरह का पॉन स्ट्रक्चर बनाने की आप यहाँ देख सकते हैं। तो b4 यहाँ पहले आनंद ने किया, देन यहाँ ब्लैक ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया, अदरवाइज नहीं तो ये बिशप ट्रैप हो सकता था। a6 देन a5 बिशप पर अटैक, तो बिशप गया a7 स्क्वायर पर। d4 तो f5, तो e takes f5, बिशप टेक्स f5, बिशप गया e3 स्क्वायर पर। e takes d4, नाइट टेक्स d4, बिशप टेक्स d4, बिशप टेक्स d4, क्वीन g5, और यहाँ ब्लैक की प्लानिंग इस h3 पॉन को लेने की है। रुक गया e3 स्क्वायर पर। नाइट f6, तो रुक g3, क्वीन पर अटैक, और अटैक भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये नाइट इधर f6 स्क्वायर पर ना प्लेस किया होता तो क्या हो जाता। क्वीन h4, बिशप टेक्स f6, क्वीन टेक्स f6, देन नाइट d2 स्क्वायर पर। नाइट e5, तो बिशप गया f1 स्क्वायर पर। रुक एट a गोज़ टू e8, देन रुक e3, बिशप d7, इट मीन्स यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस क्या है, वाइट के ऊपर एक शानदार अटैक बनाने की। नाइट e4, तो क्वीन f4 स्क्वायर पर। रुक a2, तो नाइट g6, और यहाँ इस नाइट पर पूरा प्रेशर है। क्वीन d4 यहाँ पहले आनंद ने किया, तो बिशप c6, नाइट पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया। देन रुक एट a गोज़ टू e2, रुक e5, देन g3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन भाई f5 स्क्वायर पर। c4, तो अरुणन ने यहाँ किया d5, नाइट पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ ये पॉन एक्सचेंज हो जाए, अगर यहाँ आनंद करें c takes d5, तो उसके बाद रुक टेक्स d5, पहले क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन को कहीं एक अच्छे स्क्वायर पर हटना होगा। खैर, गेमिंग पोजीशन बिल्कुल इक्वल रहती। यहाँ आनंद ने किया था नाइट c5, और नाइट के c5 स्क्वायर पर आने से फ्रेंड्स क्या चीज होता है, माइट बी यहाँ ये e6 स्क्वायर इंपॉर्टेंट होगा। तो अरुणे ने यहाँ किया रुक टेक्स c3, क्वीन टेक्स c3, d takes c4, देन f4, h5, तो क्वीन गई d4 स्क्वायर पर। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आनंद की इंटेंशंस अपने नाइट को यहाँ इस e6 स्क्वायर पर ले जाने की है, तो शायद अरुणन को इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बिशप को d5 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ अरुणन ने किया था h4, तो नाइट e6 रुक पर अटैक है। और अब अगर मान लो अरुणन यहाँ अपने इस रुक को बचाएं f7 जैसे किसी स्क्वायर पर, और यहाँ आप देख सकते हैं चेकमेट की थ्रेट से बचने की कोशिश करें, तो आनंद यहाँ पहले करेंगे क्वीन d8 चेक, और अब इस चेक से बचने के लिए रुक वापस आता है, तो आनंद का मकसद सिद्ध होता है। तो वो ब्लैक अगर नाइट f8 करे, तो वाइट यहाँ पहले करेगा रुक e5, क्वीन पर अटैक बनेगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि अटैक किस तरह का होने वाला है। क्वीन मान लो f6 स्क्वायर पर जाए, तो वाइट का ये रुक अब चेक देगा, लेकिन उससे पहले वाइट बेटर है अपने इस अटैक में एक पीस को और इंट्रोड्यूस कर ले, वो यहाँ करे बिशप टेक्स c4, ताकि जब ये चेक आए, किंग मूव हो, तो यहाँ ये रुक पिन हो चुका हो। तो काफ़ी ब्रिलियंट मूव है, अरुणन को यहाँ करना ही पड़ा। क्वीन f6 क्वीन एक्शंस ऑफर दिया, जिसे आनंद को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आनंद अपने इस नाइट से रुक को तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने यहाँ किया f5, और उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, नाइट पर अटैक बनने के बाद
अब यहाँ ब्लैक करे तो करे क्या, मेरे ख्याल से तो नाइट को बच लेना चाहिए था e7 जैसे किसी स्क्वायर पर। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती तो क्वीन मूव हो जाती, चलो g4 स्क्वायर पर क्वीन ने सेफली मूव हो सकती थी और यहाँ प्रेशर काफ़ी रहता ब्लैक के ऊपर। लेकिन अरोनिन ने पता नहीं क्यों यहाँ h takes g3 किया। इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन तो मुझे यहाँ c3 की लग रही है। यहाँ ये सी पॉन और ज़्यादा आगे पुश हो सकता था थोड़ी देर में। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये पॉन क्वीन बनने के नज़दीक तो पहुँच ही सकता था, लेकिन h takes g3 करने के बाद यहाँ सबसे पहले तो लिवॉन ने अपने उस नाइट को गवा दिया है। queen takes f6, rook takes f6, f takes g6, rook takes g6, और कम से कम ये नाइट तो उनके हाथों से गया। वैसे यहाँ खैर इस पॉन को लेने से पहले अगर ब्लैक g2 कर ले तो कैसी ऑप्शन है, क्योंकि bishop takes g2 करने के बाद rook takes g6 होगा, लेकिन कोई ज़्यादा खास एडवांटेज यहाँ लिवॉन को मिलेगा नहीं। खैर यहाँ लिवॉन ने किया था rook takes g6, देन rook e3 स्क्वायर पर, और प्रेशर तो है खैर इस b3 पॉन पर। तो अब क्या यहाँ ब्लैक को अपने जी पॉन को आगे पुश नहीं कर देना चाहिए था शायद। वैसे यहाँ ये सी पॉन भी आगे पुश हो सकता था क्योंकि यहाँ नाइट रिस्क पर है, रुक के इस पॉन को ले ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ अरुणिन ने किया था b5 कुछ मूव ठीक नहीं है, क्योंकि एनपसांट तो होना ही है। a takes b6, c takes b6, देन bishop takes c4, नाइट पर डिफेंस भी हो चुका है। a5 कोई ज़रूरत नहीं है, rook d3 ये मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि वाइट यहाँ पहले चेक देगा और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि रुक को पिन भी किया जा सकता है। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा rook f6। नाइट को हटाया चलो g5 स्क्वायर पर ताकि यहाँ ये h7 स्क्वायर सिक्योर रह सके, तो अब ब्लैक g6 जैसी किसी ऑप्शन को ही कंसिडर करेगा। खैर फ्रेंड्स आइए वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ आनंद ने किया था b5, बिशप पर अटैक बना था, तो बिशप गया d7 स्क्वायर पर नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए, तो नाइट गया फिट रुक पर अटैक, तो रुक d6 स्क्वायर पर, knight takes d7, rook takes d7, और अब बस आनंद को इस गेम में जीतने के लिए मेटेरियल एक्शन ही करना है। rook e6, तो रुक गया d4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक है तो कोई दिक्कत नहीं है, bishop f1 स्क्वायर पर, देन rook d2, rook takes b6, a4, rook f6, ताकि यहाँ ये ए पॉन और ज़्यादा आगे पूछना हो। और अब सिंपल मैटर ऑफ टैक्टिक्स है अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने के लिए, rook a2 स्क्वायर पर, देन bishop d3। वैसे यहाँ ये बी पॉन भी आगे पुश हो सकता था और गेम यहीं सेफ हो जाती, g5 तो b6, rook b2, ताकि ये पॉन और ज़्यादा आगे पुश ना हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। bishop e4 यहाँ पहले आनंद ने किया, तो a3 नो यूज़। फाइनल मूव था विश्वनाथ आनंद का, वो था b7, और यहाँ इस मूव के बाद लिवॉन अरोनिन ने रिज़ाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह बिल्कुल सिंपल है कि ये पॉन क्वीन बनने से तो रुकने वाला है नहीं, और ब्लैक कम से कम अपने इस ए पॉन को क्वीन बना नहीं पाएगा। मान लो अगर यहाँ ब्लैक a2 भी करे तो उसके बाद सिंपली आनंद यहाँ करेंगे rook takes a2, और इस a2 पॉन को लेकर अपने रुक को सेक्रीफाइस करके अपनी क्वीन प्रमोट कर सकते हैं। rook takes a2 होगा तो b8 equals queen, और बाद में ये a2 स्क्वायर पर रखा हुआ रुक भी बोर्ड से ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वाइट की क्वीन ये पहले चेक देगी, तो किंग के लिए सिर्फ g7 स्क्वायर बचेगा, देन queen e5 चेक, और अब ये किंग कहीं भी जाए आइदर f7 स्क्वायर या फिर h6 स्क्वायर। मान लो किंग f7 स्क्वायर पर जाए तो bishop d5 चेक एंड मेट, ये रुक भी ब्लैक के हाथों से जा चुका होगा। तो इस बिशप के e4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स ब्लैक के लिए इस गेम में कुछ खास बचा था भी नहीं, वैसे भी वो एक पीस डाउन चल रहा था। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी मुझे ये, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।